इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट प्लेस. सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी रहती है एंड एवरी वेक्टर क्वांटिटी हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे रहता है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहता है. इसका SI यूनिट रहेगा न्यूटन पर कूलम्ब या फिर वोल्ट पर मीटर. बेस्ड ऑन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, E बार इज इक्वल टू F बार बाय Q. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला F बाय Q, F बार बाय Q. एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला EQ. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो व्हेन इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज इज प्लेस्ड देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला EQ. Electric force is given by formula E into Q. So direction of this force will be same as electric intensity if charge is positive. And direction of force is opposite to electric intensity if charge is negative. उसके बाद हमने देखा है electric field required to suspend a charged particle. मतलब किसी भी charged particle को हमें air में suspend करना है, उसको गिरने नहीं देना है, तो electric field कितना लगेगा. तो इसका calculation कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, EQ. वेट कितना रहता है, mg. सो EQ इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आ जाएगा, EQ शुड बी इक्वल टू mg होना चाहिए. mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, EQ क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला mg बाय Q. ओके, मतलब m मास का चार्ज पार्टिकल हमें अगर एयर में सस्पेंड करना है, उसको गिरने नहीं देना है, तो वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, mg by q का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा. यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही रहना चाहिए. एंड मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी चार्ज पार्टिकल सस्पेंड हो सकता है. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने कौन सा देखा, ई बार इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देखा है हमने, ई बार इज इक्वल टू एफ बार बाय क्यू. ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला हमें अभी निकालना है. तो यहां पे सपोज चार्ज क्यू है एंड फ्रॉम दिस चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, यहां पे क्या है, पॉइंट पी है. ओके, तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमें निकालना है. वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे पी पोजीशन पे क्या करेंगे हम, सपोज एक चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, क्यू नॉट चार्जेस प्लेस्ड एट पोजीशन पी. ओके, तो यहां पे दो चार्जेस में से फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस Q एंड Q नॉट. ये फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर स्क्वेयर. सो फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस Q एंड Q नॉट विल बी लाइक दिस 1/4πε0 Q Q नॉट बाय आर स्क्वेयर. अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहता है, E इज इक्वल टू F बाई क्यू रहता है, F बाई क्यू. सो F बाई क्यू नॉट मतलब P पोजीशन का हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, वही लेना है. तो यहाँ पे 1/4πε0 Q Q नॉट
divided by R square divided by Q naught. So Q naught get cancel and इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वेयर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ओके, मतलब from the charge q at a distance r there is a point p, so p point per due to this charge q kitna electric intensity create hoga 1/4πε0 q by r square. abhi yahi point agar medium mein hai to ye formula aa jayega 1/4πε0 k into q by r square. so charge agar vacuum mein hai तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनता है 1/4πε0 q by r square. चार्ज अगर k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 1/4πε0 k q by r square. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. इसको शॉर्ट में इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं. इन शॉर्ट is equal to k q by r square. मतलब ये k जो है ये एक और एक कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू क्या रहेगा 1/4πε0 रहेगा. k का वैल्यू क्या रहेगा 1/4πε0 या फिर 1/4πε0 k. सो इन शॉर्ट इट इज रिटन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज k q by r square. मतलब ड्यू टू चार्ज q एट अ डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज kq by r square. इसी फॉर्मूले को मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओनली. ओके, सो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे देखिए. इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज रिटन लाइक दिस, e बार इज इक्वल टू k q by r square into r cap. k q by r square into r cap. r cap मतलब क्या रहेगा, पोजिशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर रहेगा. ये यूनिट वेक्टर हमें लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे for the electric intensity due to point charge. questions are like this. तो ये formula ध्यान में आया क्या, देखिए यहाँ पे कुछ doubt है क्या, बोलिए any doubt in this case. तो यहाँ पे हमारे electric intensity के दो formula हो गए. first formula is E is equal to F by Q और दूसरा formula है KQ by R square. question क्या है देखिए, question is like this. find the electric field strength ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना है 5 माइक्रो कुलोम है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज. तो यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है हमें. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वेयर. K का वैल्यू कितना रहता है 9 × 10⁻⁹. Q का वैल्यू है 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मतलब ये 0.8 मीटर हो जाएगा SI सिस्टम में. 0.8 का स्क्वायर 0.64. सो दिस मच इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. दिस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन. 9545 डिवाइडेड बाय 0.64 × 10³ न्यूटन पर कूलम. सो आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 7 आ जाएगा. 7 × 10⁴ मतलब 70 आता है वैल्यू है. 7 × 10⁴ विल बी द फाइनल आंसर. You can do that calculation.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस 3 मीटर. ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू नल पोजिशन. यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. अ चार्ज क्यू इज इक्वल टू ऑफ 1 माइक्रोकुलम, देयर इज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट ए पॉइंट. कहाँ पे प्लेस किया है? 1, 2, 4 पे प्लेस किया है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें निकालना है. 1, 2, 4 पे चार्ज को रखा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट 0, -4, 3. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इसका डायग्राम मैं निकाल सकता हूं इस तरह से. दिस इज द डायग्राम. तो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड यहां यही कहीं पे चार्ज है. सपोज चार्ज 1 माइक्रोकुलम का है एंड इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 2, 4 है. 1, 2, 4. और इस पोजीशन पे, इस पी पोजीशन पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इसका कोऑर्डिनेट है 0, -4 एंड 3. ये पोजीशन कहीं भी हो सकते हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है. रैंडमली ऐसा ही पोजीशन मैंने लिखा है. मतलब माइनस फोर है तो माइनस साइड पे होना चाहिए एंड सो ऑन. इसका ज्यादा मत कुछ थिंक कीजिए. ओनली मैंने पोजीशन फॉर अवर विजुअलाइजेशन ओनली रखा है इधर. तो चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम है. कहाँ पे रखा है वो? 1, 2, 4 पे रखा है. और पोजीशन कहाँ पे है? 0, -4 एंड 3 पे है. तो एक्चुअली वो नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर अवर ओनली कन्वीनियंस ओनली हमने यहाँ पे एग्जैक्टली पोजिशन यही नहीं आएगा. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे ड्यू टू दिस चार्ज पी पोजिशन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना आएगा ये निकलना जरूरी है. तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा. तो यहां से यहां तक का हमें पहले आर बार या फिर डिस्टेंस का जो वेक्टर रहेगा वो वेक्टर लिखना पड़ेगा. सपोज दिस इज आर बार है. तो आर बार कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. मतलब आर बार कैसे निकालेंगे? 0i -4j+3k -1i+2j+4k. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पहले आर बार निकालना पड़ेगा. अगर चार्ज का पोजीशन दिया है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन दिया है, तो इस तरह से आपको पहले आर बार निकालना पड़ेगा. तो आर बार क्या आ जाएगा? 0i -1i, मतलब -1i. उसके बाद -4 -2. -4 -2 मतलब -6 j कैप एंड +3 -4 मतलब -1 k कैप. तो चार्ज फ्रॉम द चार्ज टू द पोजीशन पी, इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा. एंड फ्रॉम दिस वी कैन गेट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पोजीशन. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पोजीशन पी. ओके, ये डिस्टेंस कैसा आ जाएगा? आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1² + -6² + -1² आ जाएगा. ओके, तो यहां पे ये कितना आ जाएगा? 1 + 36 + 1 मतलब √38 आ जाएगा. 1 + 36 + 1 √38. √38 विल बी द डिस्टेंस ना. मतलब इस तरह से मैंने क्या किया है? चार्ज और पोजीशन पी में से डिस्टेंस निकाला है.
ओके बिटवीन चार्ज क्यू एंड पोजिशन पी डिस्टेंस कितना आ जाएगा रूट थर्टी एट विल बी द डिस्टेंस. अभी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं. नेक्स्ट देयरफोर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दी के क्यू बाय आर स्क्वेयर इंटू आर कैप रहता है. मतलब कंप्लीटली वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे निकालना है तो इस तरह से निकालना पड़ेगा के क्यू बाय आर स्क्वेयर इंटू आर कैप. ठीक है. सो देयरफोर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार मतलब वेक्टर फॉर्म में निकालना है. के का वैल्यू कितना रहेगा 9×10⁻¹. चार्ज क्यू कितना है 1 μC मतलब 10⁻¹. एंड आर स्क्वेयर का वैल्यू आ जाएगा 38. एंड आर कैप का वैल्यू कैसे निकालना है. दिस इज आर बार है तो आर कैप कैसे निकालते हैं. आर बार डिवाइडेड बाय आर करते हैं. सो ई बार इज इक्वल टू ये कैलकुलेशन पहले करते हैं 9/38. ओके सो 9/38 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 9/38. R bar divided by R, मतलब R bar को रूट 38 से R मतलब मैग्नीट्यूड ना वो हमने रूट 38 निकाला है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा -1/√38 I cap -6/√38 J cap -1/√38 के क्या. ओके सो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके या फिर पॉइंट 2368 मतलब क्या है 9/38 है. 9/38 से भी अंदर मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं ऐसा भी आ सकता है क्योंकि 9/38 मतलब 0.2368 लिखा है ना हमने. So, 9/38 को अंदर इस वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो वैसे भी आंसर कितना आता है -9/38√3 आई कैप -6×9=54 ना √38 जे कैप -9/38√38 के कैप. एंड इन सभी को 10⁻³ तो रहेगा ही. सो इन दिस वे आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर. सो इन दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है. जस्ट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर है. और वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो क्या करना पड़ेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप करना पड़ेगा. तो उसके लिए पहले आपको आर बार निकालना पड़ेगा. आर बार कैसे निकालेंगे दैट इज फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. इस तरह से आर बार निकालेंगे. ओके सो दैट विल बी यूर फाइनल आंसर. There is one more problem similar to this. ये problem क्या आ जाएगा देखिए. Question is like this. A point charge 50 μC. यहाँ पे एक चार्ज है 50 μC का. Located in XY plane at position. इसका position दिया है 2, 3. 2, 3 इस position पे रखा है. What is the electric field? Electric field निकालना है. At position of 8 5 इस position पे हमें 8 minus 5 इस position पे हमें electric field निकालना है. तो पहले क्या करूंगा R bar निकालूंगा. R bar मतलब
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब 8i माइनस 5j माइनस 2i प्लस 3j, ये पहले r बार निकालूंगा, r बार आ जाएगा 8 माइनस 2 मतलब 6i कैप, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8j कैप, ये r बार आ गया। r बार के बाद r निकालूंगा, r कैसे निकालूंगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 36 प्लस 64, दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 64 दैट इज रूट 100 एंड देयरफॉर r इज कमिंग टू बी 10। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, k q बाय r स्क्वायर इनटू r कैप करते हैं, ओके दैट इज k, k का वैल्यू कितना रहेगा 9 इनटू 10 रेस टू 9, Q का वैल्यू कितना है 15 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, कितना करना है R स्क्वायर मतलब 100, ओके इंटू R कैप मतलब क्या रहता है R बार डिवाइडेड बाय R रहता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E बार इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 50 450 इंटू 10 रेस टू 10 raised to 9 and 10 raised to minus 6 मतलब 10 raised to 3 and 10 raised to 3 divided by 100 मतलब 10 raised to 1 into r bar divided by r, r bar क्या है 6i minus 8j, उसको 10 से divide किया, इसको 10 से divide किया तो पहले 6 by 10 मतलब 3 by 5 i cap हो जाएगा and minus 8 by 10 मतलब 4 by 5 j cap रहेगा and therefore final answer, अभी 450 into 10 है ना, तो 450 into 10 मतलब 4500 से ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर 5 से डिवाइड किया तो ये 900 into 3 2700 i cap minus 900 into 4 3600 j cap, so this is the electric field at that position, so इस तरह से आपको ये निकालना पड़ेगा। ओके ओनली मैग्नीट्यूड अगर पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो आंसर आ जाएगा 4500, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ना 4500 एंड अलोंग विद मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर चाहिए तो आर कैप से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2700 आई कैप माइनस 3600 जे कैप, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चार्ज का पोजीशन दिया है एंड पॉइंट पी का पोजीशन दिया है तो यहां पे क्या करना है आपको, दोनों पोजीशन अगर दिया गया है तो यहां पे जस्ट अ मिनट सम प्रॉब्लम इज देयर